एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे 5 वेज टू प्रमोट योर कार रेंटल बिजनेस। अभी हमने एक वेबसाइट बनाई है, कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूंगा। तो अभी वो हिमाचल में जहां पे भी आपको कार रेंटल की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट मेथड है जो वो अपना रहे हैं, सबसे पहले तो B2B एजेंट्स के साथ टाई अप करना जो उस डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में डील करते हैं। क्योंकि ट्रेवल एजेंट क्या होते हैं, कार रेंटल प्रोवाइडर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं, जो होटेलियर्स है होटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, और जो एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं उस डेस्टिनेशन के लिए। तो अगर आप कार रेंटल बिजनेस में है तो जो भी उस डेस्टिनेशन में टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं उनसे जाके मिलो, कॉन्टेक्ट करो, टाई अप्स करो उनके साथ कि आप उन्हें बेस्ट B2B रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कार रेंटल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिमाचल टूर पैकेजेस में डील करते हैं तो आप चंडीगढ़ में जाओ, वहां के ट्रैवल एजेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, दिल्ली के ट्रैवल एजेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉन्टेक्ट करो और इस लिस्ट को आप ग्रो करो। सेकेंड, आपको क्या करना है, गूगल एड्स रन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से मनाली के लिए टैक्सी सर्विस, कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करो, गूगल एड्स एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते हो कि इससे रिलेटेड आप किन कीवर्ड्स पे एड रन कर सकते हैं। पर मंथ का आप एक बजट डिसाइड करो कि आपको पर मंथ कितना बजट स्पेंड करना है गूगल एड्स पे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हो, यहाँ से जो लीड्स आएंगी आप उनको कन्वर्ट करके आप अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है, आप अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स क्रिएट करो, लाइक फेसबुक पेज क्रिएट करो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करो, और जिन डेस्टिनेशंस में आप डील करते हैं, कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनसे रिलेटेड फ्लायर्स बना के यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। फोर्थ, आपको क्या करना है, कंप्लीट टूर पैकेज आप प्रोवाइड करवा सकते हो क्लाइंट को। बिकॉज अभी क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, कार रेंटल सर्विस तो आपने प्रोवाइड कर दी, अब उसको होटल की रिक्वायरमेंट भी है और एक्टिविटीज जो वहां पे होती है उनकी रिक्वायरमेंट भी है। तो आप होटल्स के साथ टाई अप करके जो एक्टिविटीज वहां पे प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको साथ टाई अप करके एक जो क्लाइंट है उसको कंप्लीट टूर पैकेज अच्छे रेट में आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अगर पूरा कंप्लीट टूर पैकेज क्लाइंट को प्रोवाइड करवाओ तो इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से भी आप अपने बिजनेस के लिए ले सकते हो। फिफ्थ, आपको क्या करना है, जो आपके बिजनेस की वेबसाइट है, कार रेंटल बिजनेस के लिए जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है गूगल सर्च रिजल्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हो तो जितने भी यूजर्स उनसे रिलेटेड, कार रेंटल बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होंगे वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, जितना ट्रैफिक आएगा वहां से लीड्स में कन्वर्ट होंगे और उन लीड्स को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे जो मैंने इस वीडियो में बताए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।